इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस चीफ को दिखाया जाता है जिनसे बहुत सारे रिपोर्टर इस शहर में घूम रहे सीरियल किलर के बारे में पूछ रहे होते हैं। चीफ बोलता है कि मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद हमें लॉरेंस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में होता है। वहाँ वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, तभी लॉरेंस का बॉस वहाँ पर आता है, उसे बाहर रखे डमी को अंदर आने को कहता है, जिसके साथ वो वहाँ बैठी एक औरत के बारे में बताता है कि ऐसी औरत बहुत जल्दी पट जाती है। अब इससे पहले लॉरेंस उस औरत को पीछे मुड़कर देख पाता, इतने में ही उस औरत की जगह वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। जब लॉरेंस देखता है तो उसको लगता है कि शायद बॉस उसी औरत के बारे में बात कर रहा होगा। अब लॉरेंस उस औरत को अजीब तरह से इशारे करने लगता है, जिस कारण वो औरत परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। तब लॉरेंस भी उसके पीछे आने लगता है। अब वो औरत एक जगह पर जाकर कोडी हो जाती है, जिसको लॉरेंस एक प्रकार का इशारा मान लेता है और वो अंदर जाकर उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ मारता है। तभी वो औरत जोर जोर से चलाने लगती है, तभी लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है। वो औरत बाहर आकर बाकी औरतों को बताती है कि एक अजीब सा आदमी मुझसे गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। वहीं लॉरेंस सीधा पार्किंग लॉट की तरफ भागता है अपने बॉस के काम के लिए। तभी वो बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आ जाती है। उसी वक्त लॉरेंस के हाथ में एक चेनसो होती है जो गलती से स्टार्ट हो जाती है। लॉरेंस उस मशीन को संभाल नहीं पा रहा था, जिस कारण उस लेडी को ऐसा लग रहा था कि यह उसको जान से मारने वाला है। वो उसको किलर मान लेती है, वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है, जहाँ वो लेडी लॉरेंस के बारे में सभी बातें बता देती है, जिसकी बातों से पुलिस वालों को यह लगता है कि यह वही सीरियल किलर हो सकता है जो शहर में मासूम औरतों को मार रहा है। वो उस लेडी को बताए हुए हुलिये से एक प्रिंट बना लेता है। वहीं लॉरेंस अपने अपार्टमेंट में होता है, जहाँ थोड़ी देर बाद केयर टेकर एक आदमी को लॉरेंस का अपार्टमेंट खरीदवाने के लिए लाता है। वो लॉरेंस का अपार्टमेंट दिखाता हुआ कहता है कि इस आदमी को यहाँ से जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही लॉरेंस फेक कॉल पर लग जाता है और उस आदमी के सामने ही इस बिल्डिंग की सारी प्रॉब्लम, यहाँ पर होने वाली चोरियाँ, साथ ही साथ केयर टेकर के फ्रॉड होने की बातें करने लगता है, जिसको सुनकर उस आदमी को ये जगह ठीक नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। इस कारण केयर टेकर उसको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसी अपार्टमेंट में बच्चे लॉरेंस के घर में एक मरी हुई बिल्ली को फेंक देता है, जिस कारण लॉरेंस की उन बच्चों से लड़ाई हो जाती है। बदला लेने के लिए वो उसी मरी हुई बिल्ली को उन बच्चों के घर में फेंक आता है, जिसके बाद वो एक कैफे में कॉफी पीने चला जाता है, जहाँ उसको एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो एक आदमी से टकराता है, जिस कारण उस आदमी की जलती हुई सिगरेट लॉरेंस के पेंट में चली जाती है। वहीं बाहर वो लड़की जैसे ही जाती है उसकी सारी सब्जियां गिर जाती है। वो उनको उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी लॉरेंस को अपने पेंट के अंदर से आग सी महसूस होने लगती है और उसको जलन होने लगती है, जिसको कम करने के लिए वो वहाँ पर रखा हुआ सोडा अपनी पेंट में डाल देता है। वो लड़की भी उसको देख रही होती है, उसको लगता है कि वो उसको देख कर गंदे इशारे कर रहा है। अब लॉरेंस आगे जाता है, तभी एक दुकान की ओनर उसे पहचान जाती है। यह वही आदमी है जिसे मैंने पैसे उधार दिए थे, उसने अब तक पैसे वापस नहीं किए। अब दुकान का ओनर लॉरेंस के पीछे कई दूर तक भागता है, वे बचने के लिए एक बालकनी पर लटक जाता है। तभी वहाँ पर एक लेडी अपने कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है और लॉरेंस उसको देखकर फीलिंग लेने लगता है। इसके बाद लॉरेंस एक मॉल में जाता है, वहाँ से सामान चुराने के लिए अपना दिमाग चलाने लगता है। वो धीरे धीरे वहाँ खड़े कस्टमर के जेब में सामान रखने लगता है। जब वो सभी मॉल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है। तब मॉल की एक लेडी सिक्योरिटी अलार्म को चेक करने के लिए जैसे ही निकलती है, तभी लॉरेंस उसके सिर में भी एक चीज लगा देता है। अब उसके जाने पर भी उस सिस्टम का अलार्म बज रहा था, जिस कारण मॉल वालों को यह लगता है कि उनका अलार्म खराब हो चुका है, जिस कारण वो सबको बिना चेक करे ही बाहर भेज देता है, जिसका फायदा उठाकर लॉरेंस काफी सारा सामान ले आता है। वहीं पुलिस स्टेशन में चीफ और उसके साथी डॉक्टर लॉरेंस को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वहाँ मौजूद लेडी ऑफिसर में से एक फीमेल ऑफिसर को उसका अगला शिकार बनाना होगा। वो सबको लॉरेंस की कुछ वीडियो भी दिखाता है, जिसमें वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। हम जानते हैं कि लॉरेंस की किस्मत खराब थी, जिस कारण लोग उसको गलत समझ लेते हैं। अब जेसिका नाम की एक फीमेल ऑफिसर को लॉरेंस के पीछे लगा दिया जाता है। अब जेसिका उस मॉल में चली जाती है जहाँ लॉरेंस काम किया करता था, जहाँ लॉरेंस फीमेल डमी को गाड़ी में भर रहा था, लेकिन वो फिट नहीं होती। तब लॉरेंस को उन डमी को धक्का मारना पड़ता है, पर जेसिका को ऊपर से कुछ और ही दिख रहा होता है। इसके बाद जेसिका लॉरेंस की बिल्डिंग के केयर टेकर के साथ उसके घर देखने चली जाती है, जहाँ वो चुपके से उसके कमरे को चेक करने लगती है। तभी वो लॉरेंस को देख कर डर जाती है, जिसको देख केयर टेकर उसे वहाँ से ले जाता है। तभी लॉरेंस खिड़की के रास्ते से होते हुए जेसिका पहुँचने से पहले वो नीचे पहुँच जाता है और बात करने लगता है कि
अगर तुमको ये रूम चाहिए तो तुम रात को आ सकती हो, क्योंकि दिन में ये केयरटेकर रहने नहीं देगा। अब रात को जेसिका अच्छे कपड़े पहनकर लॉरेंस के पास आ जाती है। अब रूम तक आते हुए एक हुक जेसिका को लगने ही वाला होता है। वो जेसिका को बचाने के लिए लॉरेंस आगे आ जाता है। उसका हाथ लॉरेंस की बंदूक पर चला जाता है। लॉरेंस यहाँ उसको किस नहीं करता, इसलिए जेसिका उसको कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन लेडी ऑफिसर से चीफ और डॉक्टर लॉरेंस की हरकतों के बारे में पूछ रहे होते हैं। जेसिका बताती है कि अभी तक उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया, जिस पर डॉक्टर कहता है तुम्हें किसी भी तरह उसकी अंदर के कीड़े को जगाना होगा, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। वहीं लॉरेंस अपने बॉस को जेसिका के बारे में बताने लगता है। उसके रूम में एक लेडी आई है। वो अपने बॉस से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर बॉस बोलता है कि तुम्हें उसके सामने सख्त बनकर रहना होगा, उसके शरीर के जाल में मत फंसो। अब घर जाते ही लॉरेंस को जेसिका रिझाने लगती है ताकि वो उसके साथ कुछ करे और वो उसको पकड़ ले। लेकिन लॉरेंस अब सख्त लौंडा बन चुका था। वो उसके सामने अपनी शक्ति बरकरार रखता है। यह बात डॉक्टर जेसिका को बताती है। डॉक्टर बताते हैं तुम और कोशिश करती रहो और आज शाम मैं कुछ बनकर आऊंगा। वहीं लॉरेंस चाइनीज ऑफिसर से मिलता है चाइनीज सीखने के लिए ताकि उसे जॉब मिल जाए। फिर वो प्रोफेसर उसको अपनी लकी डॉल दे देता है। अब घर आते ही जेसिका उसे डॉक्टर के बारे में बताती है कि आज मेरे अंकल मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब लॉरेंस बोलता है कि फिर तो हमें उनके लिए सामान लाना चाहिए। अब लॉरेंस जेसिका के साथ बाहर घूमने चला जाता है, जहाँ जेसिका को लॉरेंस उसकी बातों और हरकतों से अब सीरियल किलर जैसा नहीं लग रहा था। वह मॉल में चोरियां करते, इधर उधर घूमते, मस्ती करते, ये सब जेसिका को बहुत ही पसंद आता है। अब घर पर आ जाते हैं, जहाँ लॉरेंस सबके लिए खाना बनाता है। तभी डॉक्टर और उसकी वाइफ लॉरेंस के घर पर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर की वाइफ वॉशरूम चली जाती है, जहाँ लॉरेंस से गलती से चाकू उसकी तरफ लग जाता है, जिस कारण उसको ऐसा लगता है कि वो उसे मार देगा और वे वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर उसे एक कमरे में ले जाकर उसके ऊपर काफी सारे वायर लगा देते हैं ताकि वो उसे चेक कर सके। लॉरेंस को ये अजीब लगता है। तभी वहाँ जेसिका आ जाती है, जिसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इस पूरे टाइम में लॉरेंस को ये लग रहा था कि डॉक्टर उसके साथ में गेम खेल रहा है। अब बाहर जाते ही डॉक्टर की वाइफ उसे फिर से देख लेती है और वो डर कर उसके घर से भागने लगती है, जिस कारण डॉक्टर को भी वहाँ से भागना पड़ता है। अब अगले दिन लॉरेंस का इंटरव्यू होता है, लेकिन वो सभी चाइनीज बोल रहे थे और उसे चाइनीज आती नहीं थी, इस कारण उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके साथ यहाँ चाइनीज प्रोफेसर और जेसिका भी थी। लॉरेंस बाहर आकर वो सारी बात बता देता है कि किस प्रकार बातें ऊपर से चली गई। फिर लॉरेंस अपनी प्रोफेसर की लकी डॉल वापस कर देता है और कहता है कि यह मुझ पर काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं है। अब घर पर जेसिका अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। वो जेसिका को आखिरी बार लॉरेंस को सेड्यूस करने को कहता है। अब जेसिका भी उन कपड़ों को पहनकर वहाँ पर बैठ जाती है। लॉरेंस जेसिका को जैसे ही देखता है, लॉरेंस उसके साथ में कुछ भी उल्टा सीधा हरकत नहीं करता और उसकी तारीफ करने लगता है। जेसिका यह बोल देती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती और अब मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोको। लेकिन वो वहाँ पर अपना टेप रिकॉर्डर छोड़ जाती है। लॉरेंस उसे वापस देने के लिए जैसे जाने लगता है, वो टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, जिसे जेसिका बोलती है वो लॉरेंस को पसंद करने लगी है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। ये सुनते ही लॉरेंस भागा भागा जाता है। वहीं लॉरेंस को जेसिका कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी टीवी पर जैसे ही उसके मोस्ट वांटेड का पोस्टर दिखाया जाता है, तभी वो अपना मुंह मोड़ कर घर जाने लगता है। अब उसकी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लॉरेंस पूछता है तुम यहाँ सब क्यों खड़े हो। वो लॉरेंस के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एक किलर रहता है, जिसे देख लॉरेंस कहता है कि यह घर तो मेरा है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तभी सभी लोग उसको पहचान जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागकर अपने प्रोफेसर के यहाँ पर चला जाता है। वहीं जेसिका क्राइम सीन पर होती है, तभी वहाँ उसे एक डॉल मिल जाती है। वो उसको उठाकर देखती है और सब कुछ समझ आती है। वो तुरंत ही प्रोफेसर के घर पर आ जाती है। वहीं प्रोफेसर अपने घर पर आता है, लॉरेंस उसे सब कुछ बता देता है। तभी प्रोफेसर अपने कपड़े उतारता है, जिसके ऊपर काफी सारी मिट्टी और खून लगा हुआ था। वो समझ जाता है दाल में कुछ काला है। वो लॉरेंस को जब तक मार पाता, इतने में ही वहाँ जेसिका आ जाती है और वो प्रोफेसर को पकड़ लेती है, जिसके कुछ दिन बाद जेसिका और लॉरेंस एक साथ होते हैं। जेसिका उसको सारी बातें बता रही होती है कि वो उसे किस तरह ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे माफी मांगती है। तभी लॉरेंस जेसिका को प्रपोज कर देते हैं। जेसिका भी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों एक कार के पीछे ही बैठकर किस करने लगते हैं। तभी कार का मालिक वहाँ आ जाता है और उन दोनों को भगा देता है। वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।